हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो अभी हम लोग देखेंगे नेमिंग रिएक्शन। और ये देखो, ये सबके लिए क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th और 12th के बाद जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट है सब के लिए, जो नीट और जेई मेंस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करता है। और ये नेमिंग रिएक्शन मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन दे करके जाते हैं। और सही से एक बार इसे कर लो 25 नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेंगे, तो समझो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ये आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना मालूम रहेगा कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या क्या रिएजेंट जो होते हैं क्या काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, 25 जो नेमिंग रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। और ये नीट 2021 जेई मेंस 2021 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और कम से कम मिनिमम 12 मार्क्स आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम 16 to 20 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 16 to 20 मार्क्स। सो देखते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शन। पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और केटोन होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उसमें ZnHgCl डाल दो। क्या डाल दो, ZnHg और HCl, तो क्या होगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे होता है रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस करता है। देखो, एसिड रिड्यूस करती है किस में, रिड्यूस करती है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड किस में रिड्यूस करती है, अल्कोहल में। ठीक है, फर्दर अल्कोहल अल्केन में रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन का केस में अल्केन को ऑक्सीडाइज कराओ, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओ, एल्डिहाइड या कार्बोनिल बनता है, एल्डिहाइड या केटोन, और फिर उसे ऑक्सीडाइज कराओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है रिडक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होता है, जब कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है ZnHg और HCl के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg और HCl, और ये एक कैटलिस्ट है, तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अल्केन। कपलिंग रिएक्शन में डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल और NH2 एनिलीन, ये अगर रिएक्ट करते हैं तो आपका ऑरेंज और रेड डाई देता है। नीट 2000 AIPMT 2014 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगर OH लगा हुआ तो ऑरेंज, NH2 लगा हुआ तो रेड, डाइन प्रोडक्ट देता है। किसके प्रेजेंस में, NaOH और HCl। अगर फिनॉल देता है, अगर डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल देता है तो NaOH कैटलिस्ट करके आना। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा वो ऑरेंज कलर का। और अगर एनिलीन देता है तो HCl आपका देगा। ठीक है, रिएजेंट जो है वो HCl देगा और रेड डाई बना के आएगा। ठीक है, डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद NaN2 प्लस HCl तो डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तब डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है CuCl, HCl, CuBr, HBr, CuCn, KCn और हीट कराया जाता है तो हैलो और साइनोबेंजीन बनता है। ठीक है, हैलो और साइनोबेंजीन, यहाँ से सारा कुछ हट जाएगा, CL कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन हो गया, CL लगेगा, कभी CN लगेगा। ठीक है, जैसा जैसा देगा, CuCl देगा CL लग जाएगा, CuCn देगा तो CN लग जाएगा, इसलिए हैलो और साइनोबेंजीन लिखा हुआ है। क्लियर है, 4 नेमिंग रिएक्शन आपको समझ में आ गए। समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, समझोगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा। फिर से एक बार, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, जब कार्बोनिल कंपाउंड ZnHgHCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अल्केन देता है। ठीक है, तो रिड्यूस होता है तो क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, तब डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, NaOH रहेगा। ठीक है, रिएजेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या देगा, ऑरेंज डाई देगा। और एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और HCl रिएजेंट रहेगा तो रेड डाई देगा। डाइजोटाइजेशन किसे बोलते हैं, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HCl तो क्या होगा, डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, उसे बोलेंगे डाइजोटाइजेशन। सेंडमेयर रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब डाइजोनियम क्लोराइड CuCl, CuBr, CuCn के साथ रिएक्ट करेगा और हीट करा दिया जाए तो जो आपकी प्रोडक्ट आएगी वो आएगी हैलो और साइनोबेंजीन। ठीक है, 4 नेमिंग रिएक्शन हो गए। अब 5वां नंबर है गेटरमैन रिएक्शन। डाइजोनियम क्लोराइड CU और HX, ठीक है, CU और HX, HX वहाँ पे HBr, HCl कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हैलोबेंजीन बनेगा। स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन नीट 2017 में पूछा गया था, स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
स्कॉट एंड बोमैन रिएक्शन तीन चीज़ें मिलकर के प्रोडक्ट देती है। पहला आपका फिनॉल भी दे सकता है, एनिलीन भी दे सकता है और प्राइमरी अल्कोहल भी दे सकता है। ठीक है, अल्कोहल दे सकता है, फिनॉल दे सकता है, एनिलीन दे सकता है। दिमाग में रखो फिर से, अल्कोहल दे सकता है, एनिलीन दे सकता है, फिनॉल दे सकता है। ठीक है, अल्कोहल अगर रहेगा तो आप लोगों को एसिटाइलेशन ClCOCH3 के साथ रिएक्ट करा देना। ठीक है, अल्कोहल का केस में क्या करना, ClCOCH3 के साथ रिएक्ट होगा। फिनॉल के साथ भी वही होगा, फिनॉल के साथ में भी आपका ये रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने बता रखा है जब फिनॉल का लेक्चर अपलोड किया था, ठीक है, रिवाइज कराया था। और एनिलीन रहता है तो NaOH+C6H5COCl के साथ रिएक्ट करवाता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनता है। ठीक है, क्लियर है। फिनॉल के साथ ये भी देगा, एसिटाइलेशन बोलते हैं, और ये भी देगा। ठीक है, ऊपर में NaOH+C6H5COCl और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको दिख रहा है। ठीक है, एनिलीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ रहा। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं स्कॉट एंड बोमैन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, स्टेफन रिएक्शन होता है जब हमारा अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करता है SnCl2 और HCl के साथ तो वो एल्डिहाइड देता है। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करता है SnCl2, रिएजेंट जो होती है SnCl2 होती है और HCl होता है, प्रोडक्ट क्या देता है, एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो SN2 रिएक्शन देता है, प्राइमरी जो रहेगी वो देगी। ठीक है, प्राइमरी देगी, 3 डिग्री डू नॉट फॉर्म इथर, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। ठीक है, तो रिवीजन वाला भी आप लोग एक बार देख लेना तो उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अल्काइल हैलाइड RX+RONA का रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या देगा, इथर देगा। क्या देगा, इथर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। याद रखना, प्राइमरी। ठीक है, टर्सरी अगर देगा वो दे देगा तीन ऑप्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दी। सो पूछेगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या सो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, और फॉर्म इथर, फाइनल प्रोडक्ट इज इथर। ठीक है, कौन बनाएगा, तो प्राइमरी पे लगा करके आना। ठीक है, उर्ज रिएक्शन क्या होता है, जब RX अल्काइल हैलाइड को सोडियम ट्राई ईथर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक पहला दिमाग में डाल लो कि अल्काइल हैलाइड Na ड्राई ईथर रहेगा तो अल्केन की फॉर्मेशन होगी, और अल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड रहेगा, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर इट गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्काइल बेंजीन। और नॉर्मल अगर अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर दे दिया जाए कैटलिस्ट तो क्या फॉर्म करेगा, अल्केन। तो इस चीज़ों को याद रखना, प्रोडक्ट भैया दो दो चीज़ है। ठीक है, अगर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को कंबाइन कर रहा तो अल्काइल बेंजीन बनेगा, और अगर अल्काइल हैलाइड अकेला जा रहा सोडियम ट्राई ईथर के साथ तो अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मे बी डायरेक्ट वो ना पूछे, थोड़ा सा डिराइव करके पूछ दे तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है, या करके आना तो हल्का सा कॉन्सेप्ट सुन लो, समझ लो, सारा क्वेश्चन सही होगा। अब देखते हैं 10th नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो, जब हमारा ये होगा तो इसे हम लोग एसाइल क्लोराइड बोलेंगे, तो एसाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, और नॉर्मल अगर हम लोगों का हैलाइड के साथ रिएक्ट कराता है तो हम लोग बोलेंगे अल्काइलेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जो कैटलिस्ट होती है, रिएजेंट होती है, वो होती है एनहाइड्रस AlCl3। 2020 नीट में पूछा गया है, 2020, ठीक है, 2020 में पूछा गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट वो पूछ लिया गया था ये कौन सा रिएक्शन हो, और ऑप्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था और आपको लगा करके आना था। तो बेंजीन प्लस RX, बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, RX यहाँ पे क्या चाहिए, हैलोजन है। ठीक है, और उसी को हम लोग हैलाइड बोलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन को हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, R क्या है, CH3, R क्या है यहाँ पे, CH3। बेंजीन जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट गिव्स अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अगर RCOCl रहे और RCO का होल टू O रहे और एनहाइड्रस AlCl3 रहे तो वो क्या देगा, प्रोडक्ट एसाइल बेंजीन।
जेई मेन्स 2021 ठीक है, कन्फर्म है ये जो लास्ट वाला फेज है ना उसमें आएगा जेई मेन्स 2021। रोजेमंड रिडक्शन, रोजेमंड रिडक्शन क्या होगा, जब एसिड क्लोराइड रिएक्ट करेगा H2PDBSO4 ठीक है और इस बॉइलिंग जाइलिन ठीक है, इस बॉइलिंग सल्फर बॉइलिंग जाइलिन के साथ मेनली देगा वो H2PDBSO4। H2PDBSO4 आपको रिएजेंट देखने मिलेगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, एल्डिहाइड ठीक है। एसिड क्लोराइड रिएक्ट करेगा H2PDBSO4 के साथ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, एल्डिहाइड ठीक है। जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था, जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एल्डिहाइड ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द एल्डिहाइड ठीक है और फाइनल प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिले, तो तीन चार रिएक्शन में मिलता है, एक रोजेमंड रिडक्शन में मिलता है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में मिलता है, स्टेफन रिएक्शन में मिलता है आपको, फिर इटार्ड रिएक्शन में मिलता है ठीक है और गेटरमैन कोच रिएक्शन में मिलता है। तो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस गेटरमैन कोच रिएक्शन में दो में से एक ही देता है वो, तो एक ये याद रखना मल्टीपल चॉइस होते हैं जेई एडवांस में, मल्टीपल चॉइस होते हैं, चारों के चारों सही हो सकते हैं। पहला रोजेमंड देता है, दूसरा गेटरमैन कोच रिएक्शन देता है, तीसरा स्टेफन रिएक्शन देता है, फोर्थ नंबर में आपका इटार्ड रिएक्शन देता है। तो ये चारों दिमाग में रखना, इनका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एल्डिहाइड ठीक है। अब बेंजल डिहाइड बने या नॉर्मल एल्डिहाइड बने, बनता है एल्डिहाइड है ठीक है। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है, जब बेंजीन रिएक्ट करता है HCN प्लस HCl प्लस ZnCl2 और इसमें हाइड्रोलाइसिस करा दी जाती है ठीक है, तो क्या देता है फाइनल प्रोडक्ट, बेंजल डिहाइड। बेंजीन CO प्लस HCl, बेंजीन CO प्लस HCl एनहाइड्रस LCl3 बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और ये इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HCl एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो जो प्रोडक्ट देती है वो बेंजल डिहाइड होता है। अब HVZ हेल वोलार्ड जेलेंसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एटम हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक एटम हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल देगा कि कौन सा HVZ रिएक्शन देता है और चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन में किसी में अल्फा हाइड्रोजन होगा, बाकी तीन जो ऑप्शन होंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो बोलेगा कौन सा रिएक्शन HVZ देगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एटम हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही HVZ रिएक्शन देगा ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसके प्रेजेंस में देता है, रिएजेंट क्या होती है, BR2 एंड रेड फॉस्फोरस। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, टूलिन रिएक्ट करता है CrO2Cl2CH2 के साथ और बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होती है ठीक है। तो बताया पहले भी कि इटार्ड रिएक्शन भी एल्डिहाइड देता है ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टूलिन रिएक्ट करता है CrO2Cl2 और CH2 के साथ ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या देगा, बेंजल डिहाइड। क्लियर है, एक ही है जो कि टूलिन का रिएक्शन NCERT में दे रखा, तो इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन में दो तीन चीज़ें याद रखना, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करती है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ठीक है। और याद रखना, अल्फा कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव अल्डोल रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वही अल्डोल रिएक्शन देता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन ना रहे, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, और अल्डोल कंडेंसेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है कैसे क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो माइनस चार्ज अपने तरफ खींचेगा और वहाँ पे आएगा माइनस, कार्बन के पास आएगा प्लस ठीक है, यहाँ पे आता है प्लस ठीक है, कार्बन के पास आएगा प्लस। क्लियर है, कार्बन के पास आएगा प्लस और ये माइनस जा करके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन वहाँ पे इंक्लूड होगी और फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और अगर अल्फा है
अल्फा एल्डिहाइड ना हो, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड ना हो, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होता है, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है और ये यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी अमीन, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है, ठीक है, कौन देता है, प्राइमरी अमीन, क्लियर है। और क्या होता है आइसोसाइनेट, दिमाग में रखना ये CHCl3, ये देगा आपको रिएजेंट, देगा ही देगा, CHCl3 के प्रेजेंस और KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है RNH2, ठीक है, तो वो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है आइसोसाइनेट, जो कि प्राइमरी अमीन होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देती है, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी अमीन। हिंसबर्ग टेस्ट भी बताया मैंने जब अमीन का लेक्चर डाला था, तो उसमें हिंसबर्ग टेस्ट भी बताया था, उसमें 3 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, जो 3 डिग्री होता है वो नहीं होता है, क्लियर रखना, वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ठीक है हिंसबर्ग टेस्ट दे देता है, बट जो 3 डिग्री होती है वो नहीं देती है, क्लियर है। तो हिंसबर्ग और कार्बाइल अमीन टेस्ट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रायमन टाइमन रिएक्शन, ठीक है, रायमन टाइमन रिएक्शन में जो CCl2 होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर फिनॉल को CHCl3KOH के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो क्या देगा, सेलिसाइलिक एल्डिहाइड। अगर फिनॉल को CHCl3KOH के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो देगा सेलिसाइलिक एल्डिहाइड। अगर CCl4 के साथ फिनॉल को रिएक्ट करा दिया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसे अगर रिएक्ट करा दिया जाए तो वो क्या देगा, सेलिसाइलिक एसिड, ठीक है, सेलिसाइलिक एसिड, ये कभी नहीं पूछा गया। फिनॉल अगर CHCl3 के साथ रिएक्ट करता है, KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो वो देता है सेलिसाइलिक एल्डिहाइड, और अगर फिनॉल CCl4 और KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है सेलिसाइलिक एसिड, और जो सेलिसाइलिक एसिड बनती है वही आपका कोलविस स्मिट रिएक्शन का भी फाइनल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल जो है वो रिएक्ट करता है NaOH CO2 के साथ, ठीक है, किसके साथ, अगर कैटलिस्ट चेंज कर दिया जाए, CHCl3KOH रखा जाए तो रायमन टाइमन रिएक्शन, CCl4KOH रखा जाए तो भी रायमन टाइमन रिएक्शन, वहाँ पे सेलिसाइलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर वहाँ पे कैटलिस्ट चेंज कर दिया जाए, CCl4 के जगह NaOH और CO2 रख दिया जाए, तो वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट होगी वो होगी सेलिसाइलिक एसिड, और उसे बोलेंगे कोलबेस स्मिट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कोलबेस स्मिट रिएक्शन, ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये सेलिसाइलिक एसिड जो है ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो लिख लेना उसे। अब 20 नंबर में सिचमिड रिएक्शन, सिचमिड रिएक्शन क्या होता है, RCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड HN3H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अब देखते हैं सिचमिड रिएक्शन। सिचमिड रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है HN3H2SO4 के साथ, तो आपका ये पहले बनेगा और फिर बनेगा अमीन, ठीक है, तो अमीन की फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कैटलिस्ट जो होता है HN3H2SO4, और बीच में जो इंटरमीडिएट आएगी RN CO2। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था ये पॉइंट, 50% NaOH डाल दो तो आपका अल्कोहल आएगा, ठीक है, और हमेशा देखना CH3OH ही रहेगा प्रोडक्ट में, ठीक है, CH3OH ही रहना चाहिए, सेकेंडरी टर्सरी देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल मत लगा कर आना, अल्कोहल की फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अल्कोहल बना देगा, सिर्फ CH3OH अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। अब और प्लस HC OONA, ठीक है, एक एसिटिक समझ लो, क्लियर है। स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, अगर वो पूछता है तो वो ये वाला है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जो हो रहा है आपके सामने, ठीक है, क्लियर है। कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल डिहाइड है ये, इसे फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ NaOH, तो यहाँ पे 2 फॉर्मल डिहाइड देगा, ठीक है, 2 फॉर्मल डिहाइड रिएक्ट करता है, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछ लेगा, वो कम चांस से पूछता है, सिर्फ पूछा क्या जाता है इसमें, कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिसका फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन
की बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होती है। नीट नहीं, AIPMT 2015 में पूछा गया, कॉपी पेज था जेई मेंस का, तो वो होता है आपका कैनिजारो रिएक्शन में। जो फाइनल प्रोडक्ट आता है CH3OH आता है, उसमें दो कार्बन देखने नहीं मिलता, ठीक है, प्लस HC डबल बॉन्ड ON, ये मत भूलना, ये भी पूछा जा सकता। क्यूमिन नीट 2018 में पूछा गया था। क्यूमिन देख लो, इसे क्यूमिन बोलते हैं, क्लियर है, इसे क्यूमिन बोलते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, फिर HCl, इसे क्या बोलते हैं मालूम है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूमिन हाइपर परऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं क्यूमिन हाइपर परऑक्साइड, ठीक है, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, सॉरी क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, फिर उसे HCl के साथ रिएक्ट करा दो तो फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल आ गया, CH3 केटोन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो क्यूमिन याद रखना, क्यूमिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमिन में O2 और 130 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट कराते हैं O2 के साथ, तो क्या आता है क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, फिर उसे HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वो फिनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 केटोन बना देता है, ठीक है। अब 22 तो क्यूमिन देख लिए हम लोग, 23 देखते हैं बीच रिडक्शन एंड लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये बहुत बार बता दिया है, Na प्लस लिक्विड NH3 को हम लोग बोलते हैं बीच रिडक्शन, जो कि ट्रांस अल्कीन देगा, अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, और लिंडलार कैटलिस्ट PD प्लस CaCO3 और PD प्लस BSO4 रहेगा, जो कि सिस अल्कीन मेजर प्रोडक्ट देगा, उसे हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, इसे लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं और इसे बीच रिडक्शन बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ पे एसीटामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एसीटामाइड रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ KOH और प्राइमरी अमीन बना करके देके जाता है, ठीक है, K2CO3 प्लस K2CO3 चीफ बेस, 2016 AIPMT 2016 में पूछा गया था। RNH2 जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ तो RNH डबल बॉन्ड CH की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है। सो इतना था आप लोगों का टोटल 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो तो आपका 12 से 16 मार्क्स कन्फर्म रखो। कुछ और भी देख लेना, गैब्रियल सिंथेसिस देख लेना, PPR देख लेना, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, सारे मेरे ऑर्गेनिक के एक बार जितने भी लेक्चर है उसे रिवाइज कर लो, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही है, दो चीज़ बताए, गैब्रियल देख लेना और वो देख लेना, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और ये भी जेई मेंस वालों के लिए, नीट वालों के लिए काफ़ी है, ये 25 काफ़ी है, इसके बाहर नहीं जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन में दो चीज़ें तीन चीज़ें देख लेना, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन वगैरह देख लेना, बाकी QTS रिएक्शन जेई मेंस वालों के लिए है और कुछ भी नहीं है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हंस डिकर रिएक्शन भी देख लेना, थोड़ा सा मेंडियस रिएक्शन देख लेना, और नहीं कुछ बचता है, ठीक है, ये जो भी बता रहा हूँ ना देख लेना, वो कुछ नीट वालों के लिए, बाकी जेई मेंस वालों के लिए, उसका थोड़ा लेवल अच्छा होता है क्वेश्चन का। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।